सोचते रहते हैं, पसीने बहुत आते हैं हमें खड़े होने पर या लेटे रहने पर। उसका मेन रीजन मैं आपको आज जो जी रहे हैं उसे जिंदगी कहते हैं और जो कल जिएंगे उसे उम्मीद कहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास आपके यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। आज मैं कैलिपर के ऊपर कुछ एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा आपको कि इस कैलिपर को बांधकर हम लोग किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मुझे इस पर खड़े होने पर डर लग रहा था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हैबिट बनती जा रही है तो अब मेरे को नई नई एक्सरसाइज करने के तरीके आते जा रहे हैं। पहले तो मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा रहता था, डर लगता था गिर ना जाऊँ। अब तो मैं हाथ वगैरह आगे पीछे सब बोल रहा हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। और तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको एक नई एक्टिविटी करके और दिखाता हूँ। ये जो फुल कैलिपर मैंने बनवाया है इसके साथ में मैंने कहा एक और नई एक्टिविटी हो जाएगी मेरी। तो ये जो मेरी ट्विन ऑल इन वन वाली मशीन है इसके साथ में मैंने पूरा खड़े होके आज 10 साल के बाद में जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से मैंने हिम्मत करके मैंने कहा यार कुछ नया करता हूँ, तो मैंने ऐसे खड़े होकर एक्सरसाइज की। तो आप समझ नहीं सकते कि मेरे को कितनी अच्छी फीलिंग आई थी इस एक्सरसाइज को करने में। अगर आप भी इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो आपको भी अपने आप में बहुत अच्छा महसूस होगा और ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। देखिए, मेरे को बिल्कुल हल्का सा इशारा चाहिए और उसके बाद में मैं अपने आप एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मेरी फिंगर्स में ग्रिप नहीं है बट मैंने उसके अंदर ग्लव्स लगा रखे हैं जो कि बार को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। तो मैं काफ़ी देर तक ऐसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ और बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ और मेरे को फीलिंग भी हो रही है कि हाँ मैं बैलेंस बना पा रहा हूँ। मतलब पहले दिन तो मेरे को लगा था डर कि यार मैं कैलिपर में कैसे खड़ा होऊंगा और मैं क्या करूँगा, गिर ना जाऊँ, मेरे को चोट ना लग जाए। बट लेकिन जैसे जैसे मैं खड़ा होता गया मेरा डर निकलता गया और अब मेरे को रेगुलर मतलब ऐसा लगता है कि मैं डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी इस कैलिपर में करने की कोशिश करूँ। क्योंकि देखिए, मन तो सबका करता है चलने के लिए, घूमने के लिए, बिस्तर से उठने के लिए, उससे ज़्यादा बढ़िया ये वाली होती है। मैं पहले तो ये वाली कह रही थी, आप नहीं कर रही हो। सिर्फ मार रही थी। ज़्यादा कर दो, वापस लो अपनी तरफ, वापस लो, बस अपनी तरफ खींचो ना। तो दोस्तों देखिए, आज मैं यहाँ पे पूरे 10 साल के बाद में खड़ा हुआ हूँ। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना तब से मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो मैं बता नहीं सकता अपनी फीलिंग कि मेरे को कितना अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे खड़े होके ना। मतलब एक अजीब सी फीलिंग थी क्योंकि हम लोग 24 घंटे बेड पर लेटे रहते हैं, छोटी मोटी एक्टिविटी कर पाते हैं। तो जब मैं ऐसे खड़ा हुआ तो मुझे बस ऐसा मन कर रहा था कि अब यहाँ से हट मत और तू खड़ा रह। इस कैलिपर को बनवा के ना मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। ऐसा लगा कि मैं वापस वैसे ही नॉर्मल हो गया, क्योंकि जब मैं खड़ा होता हूँ ना तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरा बैलेंस ख़राब हो रहा है या मैं गिर जाऊँगा। और मैं यहाँ सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ तो नीचे का पोर्शन ये है और यहाँ से मैं कभी, अब जब से कैलिपर बनवाया है तो अब आज खड़ा हुआ हूँ तो दोबारा मैं यहाँ से खड़े होकर झाँक सकता हूँ, देख सकता हूँ लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो पहले इस तरह से अगर मैं खड़ा होता था तो जब मैं ठीक था तभी खड़ा हो पाता था। अब क्या है कि रूम के अंदर पता ही नहीं चल पाता बाहर की दुनिया का। अब मैं रेगुलर कोशिश करूँगा, 2 दिन में 4 दिन में मैं खड़ा हुआ करूँगा ज़रूर, अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी अपने आप करते रहा करें। इसके लिए देखिए, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है,
अगर आपके साथ में नॉर्मल एक आदमी दो तीन दिन इस तरह की एक्टिविटी कराएगा तो उसको भी हैबिट पड़ जाएगी और आपको भी हैबिट पड़ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि चार बंदे हों। देखिए अब इन्होंने, मेरी वाइफ ने मुझे अकेला ही पकड़ रखा है और मैंने किसी चीज़ में कुछ नहीं कर रखा, मैं नॉर्मल खड़ा हुआ हूँ ऐसी। अब ये देखिए पीछे से हल्का सा इशारा दे रखा है, बहुत हल्का सा बैलेंस बना रखा है और मैं हाथों की भी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस तरह से एक्टिविटी करेंगे तो रिकवरी 100% आ जाएगी। जितनी भी मिलेगी डे बाई डे चेंज तो होता ही रहेगा। अगर आप बेड पर लेटे लेटे सोचेंगे कि भाई रिकवरी आ जाए और हम दवाइयाँ खा रहे हैं तो आ जाए रिकवरी, हम इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं आएगी। धीरे धीरे एक्सरसाइज करते रहेंगे, स्टेमिना बढ़ेगा, मसल्स में हेल्थ आएगी, मसल्स पावरफुल होंगी तो ऑटोमेटिक अपने आप रिकवरी आ जाएगी। तो ये सब मैं कर रहा हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा मन ही नहीं कर रहा था कि तू लेट जा, ऐसा मन कर रहा था बस करता रहे। तो आप भी ऐसा कुछ ना कुछ करते रहें। तो दोस्तों देखा आपने आज की एक्टिविटी मेरी कैसी थी, और देखिए मैंने नीचे का भी एक पोर्शन अभी हटा दिया है उसका, ये जो स्टैंड बनवाया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसको यूज़ करता जा रहा हूँ ना कैलिपर को, वैसे वैसे मेरा डर निकलता जा रहा है। तो पहले दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, अब धीरे धीरे मेरा डर निकलता जा रहा है। तो वो मैंने नीचे का हटा दिया है, जैसे मैं साइड में इधर उधर अगर हो भी जाता हूँ तो मैं गिर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं ऊपर वाले स्टैंड से अपने स्टेमिना से, अपनी विल पावर से, या फिर ऐसे कह लीजिए अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ से मैं अपने आप को संभाल पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। पहले तो ऐसा लग रहा था कि इसमें कटहरे में कैद में ही खड़ा रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप भी ऐसी कुछ ना कुछ माइंड लगाइए और कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते रहिए, रिकवरी आ ही जाएगी जरूर। देखिए नीचे का पोर्शन लगाते आपको भी अच्छा लग रहा होगा हटाकर उसको, मुझे तो अच्छा लग ही रहा है। तो देखिए ये जैसे आप लोग कमेंट्स करते रहते हैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे बात होती रहती है, तो आप लोग कहते रहते हैं ना कि हमारे पैर बहुत पतले हो रहे हैं या पैर ब्लैक हो गए, पहले तो गोरे थे सफ़ेद थे अब काले हो रहे हैं। वो एक्चुअल में उसका रीज़न यही है कि हम लोग खड़े होते हैं ना तो ब्लड का सर्कुलेशन जब नीचे जाता है तो वो ब्लैक इसलिए हो जाते हैं, बाकी और कोई घबराने वाली बात इस तरह की कुछ है नहीं। कि भी हमारे पैर काले क्यों हो गए, अभी मेरे भी पैर काले हैं, अभी मैं थोड़ी देर में लेट जाऊँगा तो उसके बाद में मेरे पैर भी बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। तो ये ब्लड का सर्कुलेशन चलता है ऊपर से नीचे तक ना पूरी बॉडी में, तो इसलिए ये ऐसा लगता है हमें। और अगर पतले हो रहे हैं पैर तो विटामिन डी की चीज़ें ज़्यादा खाया करें, तो उसकी वजह से भी पतले हो जाते हैं विटामिन डी की वजह से। जैसे कि भाई आप अपने हाथ से पानी पी लेते हैं तो देखिए जैसे मेरी फिंगर के अंदर ग्लास को हैंग कर दिया, मैं पकड़ तो नहीं पाऊँगा, ये ग्रिप के अंदर फंस गया। तो मैं इस तरह से एक ये एक्टिविटी भी मैं अपने आप कर सकता हूँ। अब मेरे को ये ग्लास हाथ में दे दिया, ये गिरेगा नहीं, देखिए मतलब कि उंगली इतनी टाइट है कि अंदर फंस जाओ। तो आप भी ये छोटी छोटी एक्टिविटी करेंगे तभी कुछ रिकवरी आएगी। अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशी से गुजारना चाहते हो तो दोस्तों गमजदा लोगों के गम सुना करो, ज़िंदगी हमेशा खुशी से गुजार पाओगे। ज़िंदगी का जो लम्हा मिले उसे जी लो, एक्सरसाइज करके जी लो या फिजियोथेरेपी करके जी लो या मौज मस्ती करके जी लो। जीना जब हमें इस हाल में है तो जीना क्यों ना हम मुस्कुरा कर जिए, मुस्कुरा कर जीने में ही हमें मज़ा आएगा। कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है, मैं मान सकता हूँ, बट मैं भी इन्हीं हालात से निकल कर यहाँ तक आया हूँ। तो आज मैं आपके सामने इस तरह की बातें करता रहता हूँ क्योंकि मेरी भी वही कंडीशन थी जो आपकी कंडीशन है। देखो हमारी बेल तोड़ रहा है कबूतर, देखो ये कबूतर हमारी बेल तोड़ रहा है, इसके लिए जबकि हमने दाना भी रख रखा है। तो दोस्तों देखिए आप लोग पूछते रहते हैं पसीने बहुत आते हैं हमें खड़े होने पर या लेटे रहने पर, उसका मेन रीज़न मैं आपको आज फिर बता देता हूँ। तो देखिए मेरे को भी कितने पसीने आ रहे हैं, मेरे को बहुत देर हो गई खड़े हुए, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया। तो पसीने आने का मेन रीज़न पता है क्या, कि हम लोगों के जब हम सीधे खड़े होते हैं, बैठ पे तो लेटे ही रहते हैं, तो जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारा मोशन पूरा पेट का सारा नीचे तक चला जाता है। तो वो मोशन की जगह पर जाके ना यहाँ पर इस जगह पर वहाँ पर जाके प्रेशर मारता है और उधर यूरिन प्रेशर मार रहा होता है,
या गैस जोर मार रही होती है, क्योंकि सारा खाना हमारा नीचे चला जाता है, तो उसकी वजह से वो उधर प्रेशर मारती है दोनों चीज़ें, तो हमें फीलिंग तो होती नहीं है, तो फीलिंग ना होने की वजह से हमें सिग्नल क्या मिलता है, पसीने आने लगते हैं, और ज़्यादा पसीने आने लगेंगे तो सर में इस जगह पे दर्द होने लगेगा। तो ये सिग्नल है कि नीचे यूरिन रुका हुआ है या मोशन प्रेशर मार रहा है, तो आप उस समय पे लेट जाएं। देखिए कितने पसीने आ रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा मुझे तो फीलिंग है, या फिर कपकपी चढ़ने लगेगी, मुझे तो फीलिंग है। मुझे क्या फीलिंग है इस टाइम, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे मोशन की जगह पे और यूरिन की जगह पे कोई पानी का बहुत बड़ा गुब्बारा सा थैली सी फुला के और वो लटका रखी है, वो नीचे को निकलना चाह रही है, तो मुझे ये फीलिंग आ रही है। तो आप भी इस फीलिंग को नोट करिए। और देखिए मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए मेरे को इतनी सेंसेशन आ चुकी है, अगर मैं प्रेशर लगाना चाहूँगा तो यूरिन मेरा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे यूरिन की जगह देखिए आप, ये पाइप में यूरिन हिल रहा है ना, ये मैं प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने पेट से, तो और मेरे को वहाँ भी सिग्नल जा रहा है, ब्लैडर पर भी, मोटर ये मोशन की जगह पर भी सिग्नल जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट करते रहा करें, इन सारी चीज़ों से भी हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में कहाँ क्या हरकत हो रही है, क्या सेंसेशन आ रही है, क्या रिकवरी आ रही है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो समझ लीजिए रिकवरी आ रही है। और अब मैं बहुत देर से खड़ा हूँ ना, तो मेरे पैरों में नीचे दर्द होने लगा है, घुटनों के नीचे थाइयों पे दर्द होने लगा है। पहले ये सब मेरे नहीं था, अब मैं ज़्यादा देर तक खड़ा होने लगा हूँ तो मेरे ये सब चीज़ें आने लगी हैं। आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, हमारे बहुत ज़्यादा रात को नींद नहीं आ रही, पैरों में इतना दर्द हो रहा है, तो उसका मेन रीज़न सिर्फ यही है कि पैरों में दर्द जो होता है, मसल्स हमारी थक जाती हैं और थकने की वजह से हमारे पेन होने लगता है। तो उससे अच्छी बात है ना, वो अच्छी बात है। बाकी उसके लिए हमें करना क्या है, जब ऐसा महसूस होने लगे तो थोड़ी देर घंटा दो घंटा रेस्ट कर लें, या फिर नींबू पानी पी लें, या फिर ग्लूकोन डी बना के पी लें, जिससे कि हमारी बॉडी का स्टेमिना बढ़ जाए और मसल्स रिलैक्स हो जाए। दोस्तों जब ऊपर वाला किसी को ज़्यादा पसंद करता है तो वो उसको इतनी आजमाइश में डाल देता है, इतनी परेशानियों में डाल देता है कि बंदा ऊपर वाले के अलावा किसी और को याद ही नहीं करता। तो इसलिए हम लोगों के ऊपर जो परेशानी आजमाइश है उससे घबराएं ना, कम से कम हमें अपने ऊपर वाले के रब के आगे उसके सामने उसके करीब होने का मौका तो मिल रहा है, बाकी जो दुनिया ये घूम रही है ये उसको तो याद ही नहीं कर रही। हम लोग कम से कम याद तो कर रहे हैं, याद कर रहे तभी हम लोग जिंदा हैं, इतनी परेशानियां होने के बाद भी हम लोग जिंदा हैं। तो उसका मेन रीज़न सिर्फ यही है कि हम लोग उसके करीब हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को। अगर चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें। तो मिलता हूँ एक नई एक्टिविटी नई वीडियो के साथ में, ओके बाय। तो दोस्तों देखिए मेरी विल पावर कितनी बढ़ गई कि मैं दोनों स्टैंड हटा के भी खड़ा हूँ, गया 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 कहाँ गया, ऐसा लग रहा था कि मैं आगे जा रहा हूँ, कहाँ गया कहाँ गया, मेरे को डर मेरा थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है बस।